एक और बड़ी खबर बिहार से है। टॉपर घोटाले में गिरफ्तारी हुई है रूबी राय, जो कि आर्ट्स की टॉपर थी, जो एग्जाम देने वहां पर पहुंची थी और एग्जाम के बाद पटना से टॉपर रूबी राय को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में फर्जीवाड़े में फंसी आर्ट्स की टॉपर रूबी राय परीक्षा देने पहुंची थी। रूबी राय सहित चार टॉपर्स के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था और अब यह खबर है रूबी राय को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है एग्जाम देने के बाद? बिल्कुल, आज रूबी राय को पेश होना था बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के सामने में और उनका आज रिव्यू हो रहा था, लेकिन पहले से ही आज ही सुबह में पुलिस को सूचना मिली थी और पुलिस के पास गिरफ्तारी के वारंट थे। जैसे ही रूबी राय आई तो पहले तो उनकी परीक्षा ली गई, उनका रिव्यू टेस्ट हुआ और उसके बाद SIT ने तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो प्रकाश कुमार बता रहे हैं बिहार बोर्ड परीक्षा बोर्ड के सामने वो पेश होने उनका आना था, वो आई। तस्वीर आप देख रहे हैं रूबी राय, जो कि आर्ट्स की टॉपर, जो ये वही रूबी राय हैं जो मीडिया के सामने अपने सब्जेक्ट का नाम ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, आपको याद होगा। ये आर्ट्स की टॉपर रूबी राय और सवालों का जवाब और सब्जेक्ट्स का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आज वो एग्जाम देने पहुंची, इससे पहले भी एग्जाम हुआ था रिव्यू टेस्ट, उन छात्रों के साथ वो नहीं पहुंची थी, आज अलग से वो पहुंची। उनका बाकायदा प्रकाश कुमार बता रहे हैं कि पहले पूरा एग्जाम लिया गया, फिर एग्जाम लेने के बाद उनका जो परीक्षा जो पूरी हुई उसके बाद उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया गया।